बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाला इन्वेस्टमेंट बैंक और फर्म जो कि अमेरिकन बेस है, गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने ऐलान किया और इन्होंने फोरकास्ट जारी किया कि इस साल के आखिर तक तेल की कीमतें $10 बैरल पर पहुंच जाएंगी, जो इस वक्त करीबन $52 से $54 बैरल मार्केट में ट्रेड कर रही हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर ऐसा हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, उसकी रीज़न उन्होंने क्या पेश की, तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें करीबन मैक्सिमम बहुत भी ज़्यादा पहुँचे तो 2500 रुपये फी लीटर तक पहुँच जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर तेल सप्लाई करने वाले ममालिक बुरी तरह अपनी इकोनॉमिक क्रैश होते देखेंगे और ये इतना बड़ा बहरान होगा कि शायद ये संभाल नहीं पाएंगे। देखिए, होता यूँ है कि हर साल कोई ना कोई कंपनी, जितने भी बड़े इदारे होते हैं, वो फोरकास्ट एक जारी करते हैं कि ये इतना रहेगा। गोल्डमैन सैक्स ने पहले फोरकास्ट जारी किया था, लेकिन चीन के अंदर जो बीमारी इस वक्त फैल चुकी है, उसके बाद पूरी दुनिया में 4 मिलियन बैरल पर डे मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो कम हो चुकी है। सप्लाई इस वक्त ज़्यादा है और डिमांड कम है। इस वक्त ओपेक जो जितने भी एक इदारा बना है जो कि तेल सप्लाई करता है, जिसकी इस वक्त क़यादत रशिया कर रहा है, सऊदी अरब से लेकर तमाम अरब ममालिक, उन्होंने रशिया को कहा है कि हम सब मिलकर तेल की जितनी सप्लाई हो रही है इसको कम कर देते हैं, क्योंकि जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड जो है वो बराबर हो जाएगी। इस वक्त ओवर सप्लाई है जिसकी वजह से रेट नीचे गिर रहा है और गोल्डमैन सैक्स के बाद तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा सब तेल गिरता नजर आ रहा है। यह आपकी स्क्रीन पर एक टेक्निकल चार्ट है, इसको थोड़ा सा आपको आसान लफ्जों में समझा देते हैं। ये आपको जो रेड सर्कल नजर आ रहा है, ये तब है जब जनरल कासिम को मारा गया था, उसके बाद ये नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और ये नीचे आपको जो येलो पट्टी नजर आ रही है इसको कहते हैं सपोर्ट। ये सपोर्ट अब ब्रेक हो चुकी है। अब ये जो ब्लैक सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये चीन के अंदर जो सूरत हाल है उसके बाद है। अब इसका डाउनफॉल नीचे की तरफ आना शुरू हो गया और बड़ी बड़ी फर्म का कहना है, किसी ने इसका $25 बैरल इस साल के अंत तक का दिया है, किसी ने 30 दिया है, लेकिन सबसे बड़ी फाइनेंशियल फर्म और इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा है कि $10 बैरल पर आ जाएगा तेल, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में 2500 रुपये तक इसकी फी लीटर कीमत हो जाएगी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आएगा, वो इतना ख़तरनाक होगा कि ये संभाल नहीं पाएंगे। देखिए, अभी भी ये तमाम सूरत हाल में सऊदी अरब ने हाल ही के अंदर सऊदी अरामको के जितने शेयर्स थे वो मार्केट के अंदर आ गए, अब लोगों ने शेयर खरीद लिए। अब इसमें सऊदी अरब के शेयर भी बहुत कम है क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं। गोल्डमैन सैक्स का अपना शेयर तकरीबन $250 के करीब है। अब इस तमाम सूरत हाल में उन्होंने जो फोरकास्ट जारी किया है उसके मुताबिक सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि इनके अखराजात पूरे नहीं होंगे। आगे शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान और अरब ममालिक कहते हैं कि तेल की कीमतें मार्केट में इतनी ज़्यादा कम है, ये कम से कम $80-90 बैरल पर होनी चाहिए। ये एक ही सूरत हो सकती है जब किसी खत्ते के अंदर कोई जंग लड़े, लेकिन अगर खुदा ना आसा किसी वजह से कोई जंग होती है तो उसके बाद एक तो तेल की सप्लाई जो है वो बहुत कम हो जाएगी, लेकिन अमरीका इससे फ़ायदा कैसे उठाना चाहेगा। अमरीका इस तमाम सूरत हाल को पूरी तरह देख रहा है। इन लोगों ने हाल ही के अंदर काम का किया, मुसलमानों का तेल जो है वो चोरी किया और उसके बाद कहा जी हमारे पास तेल मौजूद है, हमें तो जरूरत ही नहीं। ट्रंप ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि हमें मिडिल ईस्ट की क्या जरूरत है, हम क्यों उनको सिक्योरिटी दे, हमारे पास तेल अपना बहुत ज्यादा है, हम तो तेल किसी से लेते भी नहीं है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर नाइजीरिया से लेकर इराक से लेकर ये सारा तेल जितना है वो ग्रे मार्केट में बिकता है। ग्रे मार्केट के अंदर तेल की जो कीमत है वो कितनी है, मिसाल के तौर पर अब ईरान पर पाबंदी है, ईरान अपना जो तेल बेचता है वो आधी कीमत पर ग्रे मार्केट में बेचता है, और ग्रे मार्केट में जब आप तेल बेचते हैं तो कीमत उसकी कम होती है। इसी तरह बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो तेल खरीदते हैं, पाकिस्तान के अंदर आपको ईरानी तेल नजर आएगा, अभी स्मगलिंग का तेल होता है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरह ही सप्लाई कम हो तो वो सप्लाई मार्केट में देना शुरू कर दे, उसके बाद बहुत सारे जराए हैं। आने वाले दिनों में हालात जो है वो फाइनेंशियल मार्केट के लिए ठीक नहीं है। चीन के अंदर सूरत हाल आपके सामने है, उनकी डिमांड की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, और अगर ऐसी सूरत हाल होती है, चूंकि ऑलरेडी सऊदी अरब और ईरान के लिए सूरत हाल ऐसी है कि करीबन $85 बैरल तक अगर रहता है तो वो खर्चे मेंटेन करते हैं, इनके अखराजात बहुत ज़्यादा, इनकी कमाई कम है, और वही तेल की कीमत अगर गिरकर $10 बैरल आ जाती है
तो आप सोच लीजिए कि इनको उसी वक्त IMF की जरूरत पड़ेगी, इनको मुल्क के अंदर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, इनको मुल्क के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज करना पड़ेगी, जिसके बाद ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पूरी दुनिया में जितने भी फर्म्स हैं उनमें से 99% ने इसको नीचे ही रेट अपना दिया है इस साल के अंदर। उनका कहना है कि ये ऐसा ऐसा कीमतें गिरती गिरती साल के अंत तक $10 बैरल तक आ जाएंगी। अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि कीमतें नीचे गिरती हैं तो बहुत बड़े अरब ममालिक के डाउनफॉल के दिन शुरू हो जाएंगे, और ख़ास तौर पर यह रशिया के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम का बाइस होगी, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में दुनिया को तेल सप्लाई करता है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।